Hello friends, so now that we understand dimensions, it's time to learn some of its applications. Now all the applications of dimensions are based on one simple principle, that is principle of homogeneity. Ye principle kya kehta hai? Principle of homogeneity says that आप कभी दो डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वेट नहीं कर सकते. दैट मींस आप कभी दो ऐसी क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते जिनका डायमेंशन डिफरेंट हो, ऐसी क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिनका डायमेंशन डिफरेंट हो, और ना ही आप ऐसी क्वांटिटीज को इक्वेट कर सकते हो, ना ही आप दो डिफरेंट डायमेंशन की क्वांटिटीज को इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हाउ कैन यू से दैट 100 एलिफेंट्स इज इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ हॉर्सेस, और फॉर दैट मैटर 2 एलिफेंट्स इज इक्वल टू 5 पेन्स? वी कैन नॉट कंपेयर एलिफेंट्स विथ पेन, एंड वी कैन नॉट ऐड एलिफेंट विथ एप्पल्स. सो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो सिंपली कह रहा है कि वी कैन नॉट ऐड एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट एप्पल्स फ्रॉम ऑरेंजेस, वी कैन नॉट इक्वेट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. सो वी कैन टू अ क्वांटिटी वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट और इक्वेट ओनली अ क्वांटिटी दैट हैज सेम डायमेंशंस. टू अ क्वांटिटी we can add, subtract or equate only a quantity having same dimension. सेम डायमेंशंस, अगर दो क्वांटिटीज के डायमेंशंस सेम नहीं है तो आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वेट नहीं कर सकते. ऑल्दो वी कैन मल्टीप्लाई टू क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किया जा सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड इक्वेशन नहीं लगाया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक इक्वेशन सिंपल सी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वॉट आर वी डूइंग इन दिस इक्वेशन? टू यू वी आर एडिंग ए टी एंड वी आर इक्वेटिंग यू प्लस ए टी विथ वी. सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज दैट इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, if this equation is dimensionally correct, then u must have the dimension of at and u plus at. देखिए दो क्वांटिटीज अगर सेम डायमेंशंस के आप ऐड करते हो तो डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. u plus at का जो डायमेंशन है वो v के भी इक्वल होना चाहिए. दैट मींस v का डायमेंशन हैज टू बी इक्वल टू u का डायमेंशन हैज टू बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a into t. That's what principle of homogeneity says. एक equation के जितने भी terms हैं v, u और at, इन सबके dimensions same होने चाहिए. Let's check whether this equation is dimensionally correct or not. v is velocity, so इसका dimension है lt inverse. u is also initial velocity, that is velocity, तो इसका dimension v है l t inverse. What about at? Acceleration का dimension है lt minus 2 और time का dimension है t, that is basically equal to lt inverse. So we can say that dimension of each and every term of this equation are same. So this equation is dimensionally
Correct. Thank you.